हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ से जो है प्रश्नावली 1.4 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रश्नावली 1.4 का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, हमें पता करना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, ये हमें पता करना, जो भी परिमेय संख्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है। तो परिमेय संख्या हमेशा जो है पी बटे क्यू के रूप में होता है कि नहीं, यानी बटे के रूप में परिमेय संख्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में होता है। तो शांत या अशांत हमें इसको पता करना है, शांत या अशांत कौन है। तो शांत या अशांत करने के लिए हमें हर का यानी क्यू जो है हमें 2 का पावर n गुने 5 का पावर m इसके फॉर्म में लाना होगा, हमें ये पता करने के लिए कि शांत है या अशांत। तो सभी शांत आवृत्ति हमें पता करना होगा, तो 2 का पावर m गुने 5 के पावर m का हमें लाना होगा क्या चीज, तो हर यानी क्यू हमारा जो है इस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं पूरे क्वेश्चन को और देखते हैं कौन जो है 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, 13/3125, 13/3125 है। अब हमारा यहाँ पे P बटे Q यानी Q वाला जो है हमें इस फॉर्म में लाना है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में, तो कीजिए इसे 13 बटे, इसे इस फॉर्म में हमें तोड़ना है। तो क्या करेंगे हम 3125 का गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे बगल में, जिससे कि आपको आसानी होगी। 3125 का लास्ट में यहाँ पे 5 है, तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो ये और हमारा 625 बार में कटेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 यहाँ पे 125 बार में ये कटेगा। ठीक, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 50 25 25 25 125, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 कितनी बार में कटा है ये, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार रिपीट किया हुआ है, 5 जो है 5 बार रिपीट किया हुआ है। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इसके p बटे q के वाले फॉर्म में q वाला नीचे हर जो है 5 के पावर 5, और यहाँ पे 2 भी चाहिए तो 2 नहीं है, तो 2 हम अपने मन से लिख सकते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर में गुना कर देंगे नीचे में भाग कर सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने में 5 का पावर 2 का पावर 5, यानी ऊपर में जितना हम लिखे हैं नीचे भी हमें उतना लिखना पड़ेगा, तभी बिल्कुल सेम होगा, अपने मन से ये कर सकते हैं हम। तो हमारा क्या फॉर्म बन गया, ये 2 का पावर 5 गुने 13/2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5, यानी हमारा इस फॉर्म में आ गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में। तो ये हमारा आसानी से ये शांत आवृत्ति का हो जाएगा, यानी ये हमारा ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे करना है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर 17/8 है। तो 17/8 को हमें बनाना है, इधर देखिए बनाते हैं दूसरा नंबर 17/8, इसको हमें तोड़ना है। तो हमें q वाले नीचे वाला जो हमारा टर्म है उसको हमें तोड़ना है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में लाना, यानी 8 को, तो 8 को, तो 17/8 का गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार कैसे कैसे ये होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी इस फॉर्म में हमारा ये टूट रहा है, इस फॉर्म में इसको हम तोड़ेंगे तो कीजिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे अब 5 भी चाहिए, यानी शांत आवृत्ति का पाने के लिए हमें 5 बार भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो अपने मन से हम ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, जिससे कि हमारा ये नीचे वाला जो है फॉर्म 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 के पावर 3 में गुना कर देंगे ऊपर में और नीचे में 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से गुना करेंगे, तो ये अपने मन से हम कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से कट भी जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इसमें। तो हमारा जो है यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो शांत आवृत्ति का हो जाएगा, शांत आवृत्ति का यहाँ पे ये हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है नंबर, तीसरा नंबर का है 64/455। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 64/455, 455 इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी हमें q वाले को 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म का लाना है। ठीक, तो इसको आगे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 455 का गुणनखंड यहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा कितनी कितनी बार में ये अपने आप से कट रहा है। 455 का गुणनखंड यहाँ पे हम निकालेंगे, 5 है लास्ट में तो 5 से लगाएंगे
पांच नवा 45 और 5 एकम 5 9 बार में 91 बार में, फिर यहाँ पे ये कितनी बार से कटेगा, ये 13 7 91 यानी 7 से 13 बार में, 13 7 91 फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13 यानी 5 यानी ऊपर में हो गया हमारा 64 और 455 जो है 5 × 7 × 13 इस फॉर्म में आ गया। और हमें शांत पाने के लिए क्या चाहिए, 2 के पावर n × 5 के पावर m का फॉर्म का चाहिए। 5 के पावर m तो इसमें है यानी 5 है, लेकिन इसके साथ और भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई है तो ये हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी शांत के लिए हमें बस दो ही नंबर चाहिए, 2 के पावर n × 5 के पावर m, ये अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई साथ में है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा, फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, 15/1600। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15/1600 फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 15/1600 इसको हम लोग करते हैं। तो 15/1600 का हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे, इसको काटेंगे कितनी कितनी बार में कटेगा, 2 से ये 8 × 16 फिर 2 से लगाएंगे ये 400 फिर 2 से लगाएंगे ये हमारा कितनी बार में हो जाएगा, 200 फिर 2 से लगाएंगे हमारा ये हो जाएगा 100 फिर 2 से लगाएंगे 50 फिर 2 से लगाएंगे 25 फिर यहाँ पे 5 से लगेगा 50 25 फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5 यानी 1 2 3 4 5 6 दो बार जो है, 2 जो है 6 बार है और 5 कितनी बार है, 5 जो है 2 बार है। यानी ये हमारा जो है 2 के पावर n × 5 के पावर m के फॉर्म का आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सब आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 29/343 इसको सॉल्व करते हैं, 29/343 है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 343 का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकाल के देखना पड़ेगा। तीन सौ तैतालीस का गुणनखंड निकालिए, तो ये हमारा कितनी बार में लगेगा, ये 7 से लगाएंगे तो ये 7 × 4 = 28 यहाँ पे बचा हमारा 6 और 9 × 7 = 63 9 बार में फिर 7 से लगाएंगे 7 × 7 = 49 फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7 यानी 7 जो है 3 बार आ गया, ऊपर में है 29/7 जो है यहाँ पे 3 बार आ गया। यहाँ पे हमें 2 के पावर n × 5 के पावर m के फॉर्म का लाना था जो कि ये सक्सेसफुल नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा यानी ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये भी अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन है हमारा 23/6 है 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 है, तो ये वाला फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो शांत आवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है उस क्वेश्चन में हमारा 2 के पावर n × 5 के पावर m का दिया हुआ, तो वो क्वेश्चन हमारा जो है और शांत आवृत्ति का ही हो जाएगा। अगला नंबर 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है 129/2 × 5 = 7 × 7 = 5 इसमें तो 2 × 2 और 5 × 7 दिया गया, लेकिन एक और नंबर मल्टीप्लाई साथ में है तो ये हमारा नहीं होना चाहिए था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 6/15 है, 6/15 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 6/15। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 6/15 इसको सॉल्व कीजिए, 15 है इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे या फिर ये कटने वाला होगा तो काट भी देंगे हम, 2 × 6 और 5 × 15 यानी 2/5 के फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको उस फॉर्म में 2 के पावर n × 5 के पावर m के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से गुना कर देंगे 2 से 2 से, ये उस फॉर्म में आराम से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4/2 × 4/5 इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यानी ये हमारा 2 के पावर n × 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया नीचे वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 35/50 9वां क्वेश्चन है हमारा 35/50 ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम 35/50 है, तो सबसे पहले 50 का यहाँ पे आप निकालिए, अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 25 फिर यहाँ पे 5 से लगेगा 50 25 फिर 5 से लगेगा, यानी ऊपर में हमारा 35/2 × 5 का पावर 2 यानी ये इस फॉर्म में यहाँ पे आ गया, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। ऐसे निकाल निकाल के हम चेक करेंगे। और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन 77/210 हमारा जो है क्वेश्चन है,
77 बटे 210, इसको सॉल्व कीजिए। 210 है तो क्या करेंगे हम, 210 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 210 का तो 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 70 बार में, फिर यहाँ पे लगेगा कितनी बार में, तो ये 7 से लगाएंगे, 10 बार में 10 सत्ते 70, फिर यहाँ पे 2 से ही लगा देंगे तो 5 दूना 10, मतलब और भी पहले से कम नंबर से लग सकता था, यहाँ पे 5 से लगाएंगे, यानी ये हमारा जो है 77 बटे में 3 × 7 × 2 × 5 के फॉर्म में ये आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर n × 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, यहाँ तक तो है लेकिन एक और नंबर इसके साथ ऐड हुआ हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक, जो कि ऐड नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था साथ में नंबर्स, तो ये भी हमारा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कौन अशांत है कौन शांत है, और शांत अशांत हमें कैसे पता करना है। जब इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा ये शांत हो जाएगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा, ठीक।